बेसिक से मायावती जी ने जातिवाद करा, उस बात को मैं सपोर्ट नहीं कर रहे। आज अखिलेश जी जातिवाद कर रहे हैं कि मैं पंडितों को इतना शासन दूंगा और फलाने को इतना शासन दूंगा, यादवों को इतना शासन दूंगा, तो देखो ऐसे बात नहीं बनती। देखो यह कि सबका साथ सबका विकास, मैंने आपको पहले भी दो मिनट पहले वाली बात की थी और अभी भी वाली बात कहूंगा कि देखो अगर शासन चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो पिछड़ी जात लेके चल रहा है आपको हिसाब से। भैया हमें तो मजबूत कौन था शासन सकता, अरे शासन सकता तो भैया मायावती थी और आज के टाइम योगी जी है, जो योगी जी ने कराया, जो आज के टाइम योगी जी ने कराया। मेरे भाइयों ने भी दो चार दिन पहले ये वाली बात कही है, और मेरी बात सुनो यार, अगर जिन्ना ने आज़ादी करवाई है तो आधा पाकिस्तान क्यों करवा लिया? अगर उसे जिन्ना ने आज़ादी करवाई है हिंदुस्तान के लिए, आज़ादी से पहले तो पूरा खंड हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक है ना, तो उनने क्यों दो टुकड़े करवाए? क्या महंगाई भी हो गई इन सब, कुछ भी हो जाए योगी जी चाहिए यूपी में। अखिलेश जी नहीं योगी जी। आप क्या कहेंगे भैया? योगी जी हैं। परफेक्ट हैं, बहुत अच्छा है, सबसे बेटर हैं। और कोई है? सही बताओ, ऐसे मत बोलियो, बाकी तो महात्मा गांधी जिन्ना जितने भी हो गए ना, इन्होंने कश्मीर का बंटवारा करा जी। कश्मीर का बंटवारा करने वाले यही है, सारा जम्मू कश्मीर को अलग करने वाले यही है। जिन्ना कैसे, जिन्ना का क्या हाथ है भाई? जिन्ना को प्रधानमंत्री दो टुकड़े करके उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को यहाँ का बनना था भारत का, इस वजह से दो टुकड़े करवा दिए। अच्छा, जिस समय जी क्यों कह रहे हैं फिर कि जिन्ना का हाथ है आजादी में? भैया ये तो अखिलेश जी जानते होंगे, शायद उनके घर के अंदर कोई जिन्ना जी ने कुछ ऐसी बात करवा दी हो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। और किसकी आएगी? बिल्कुल आएगी, काम किया है लोग तो कह रहे कुछ किया है। क्या काम? लोग सबके हिसाब से तो करेगा नहीं ना, अब इनके हिसाब से थोड़ी करेगा, मेरे हिसाब से थोड़ी करेगा। आप जाके देखो पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल से आता हूँ। अच्छा। जाके देखो वहाँ पे ना हाईवे की क्या स्थिति है, गुंडागर्दी की क्या स्थिति है, तो हर पार्टी का पूरा थोड़ी करेगी। अब सपा वाले कहेंगे हमारी पूरा कर दो, बहुजन वाले कहेंगे हमारी कर दो। हाँ बताओ, हाईवे रोड का तो तुम्हें देख गया, लेकिन ये महंगाई नहीं दिखी? देखिए महंगाई है, ये भी मानने वाली बात है, ये कंट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे तो अगले बार से छोड़ेंगे। कौन कर रहा है कंट्रोल? यही करेंगे और कौन करेगा, यही करेंगे। 200 रुपए तेल देखा था, 250 रुपए तेल देखा था आपने? 200 छोड़ो, 500 रुपए के दिहाड़ी का भी लिए हो, ये बता दो मेरे को। 500 रुपए दिहाड़ी? 350 का कोई हेल्पर लिया है दिहाड़ी? इसमें तो बताए 500 मिल रहे हैं मेरे को, बताए 700 कभी लिए हो? यूपी में तो मेरी मोदी और योगी। अच्छा, हाँ जी जी। अखिलेश यादव के बयान को कैसे देख रहे हो, जो कह रहे कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई है? जिन्ना ने बिल्कुल देश को आजादी दिलवाई है, पर दो टुकड़े क्यों करवा दिए फिर? देश को आजादी दिलवाई है तो एक ही टुकड़ा रहता, हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान, मैं तो उसके समर्थन में रहता बिल्कुल। जिन्ना ने आजादी करवाई है तो उनने आधा ले भी तो लिया। अरे उसने जिन्ना ने करवाई? जिन्ना ने अगर आजादी करवाई है, एक मिनट शांत रहो। अगर जिन्ना ने आजादी करवाई है तो आधा पाकिस्तान क्यों करवा लिया? अगर उसे जिन्ना ने आजादी करवाई है हिंदुस्तान के लिए, आजादी से पहले तो पूरा खंड हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक है ना, तो उनने क्यों दो टुकड़े करवाए? हिंदुस्तान को आजाद करवाया था तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों आजाद हो गया? अलग आजाद क्यों हुआ? हमने तो कोई गुलामी नहीं करी थी पाकिस्तान पे, बाकी आजाद क्यों हो गया अगर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आजाद कर लिया? यादव कह क्यों रहे हैं? कह तो यूं रहे हैं, 2022 का चुनाव नहीं आ रहा क्या? कोई तो मुद्दा चाहिए उनको भी। खुश किसको करना चाहते हैं? खुश तो इसको करना चाहते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं, नहीं मायावती तो वो अलग बात है, वो तो अल्पसंख्यकों को खुश करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी, अल्पसंख्यक जो मानते हो ना आप भी जानते हो इस बात को है ना, उनको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि 5-4.5 साल तो बीत चुके हैं योगी सरकार के, तो उसमें उन्होंने एक इतना सा भी, अरे कौन सा लेबर, कौन सा कुछ, इतना दिक्कत आई अपने हिंदुस्तान पे, 2 साल पूरे दिक्कत चली है कोरोना महामारी के चक्कर में, क्या ये मैं बस लगवा दे रहा हूँ, मैं ये लगवा दे रहा हूँ? अखिलेश सरकार का एक भी बयान मुझे आज बता दो कि हाँ इनने दिया था कि मैं इतनी बस लगवा दे रहा हूँ। चलो मैं तो कांग्रेस के आज भी मान रहा हूँ कि उन्होंने 1000 बसों की कही थी, पर 1000 बसों में बसें नहीं थी, वो ऑटो, टैक्सी और 2-व्हीलर के नंबर थे, है ना। अरे कुछ में तो यार वो ही कहते हैं ना कि आटे में नमक ही चल सकता है, नमक में आटा नहीं चल सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नमक में आटा नहीं कभी नहीं चल सकता, आटे में नमक ही चल सकता है, वो तुम खा लोगे तभी पता चलेगा, उससे पहले पता भी नहीं चलने का, ठीक है ना।
तो अब 4.5 साल योगी सरकार के बीत चुके हैं और जो 6 महीने भी काय के रह गए, अप्रैल इसमें जून मार्च में तो चुनाव है, 4 साल भी काय को रह गए, 4 महीने रह गए हैं, तो 4 महीने भैया कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्या अलग बिल्कुल गायब ना हो जाए, इसलिए चुनाव में रहने के लिए 4 महीने में कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा उनको भी, ठीक है ना। उल्टे सीधे बयान देंगे बिल्कुल 100% जिन्ना को बता देंगे कि जिन्ना ने देश को आजादी दी। जिन्ना की मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर उनने हिंदुस्तान को आजाद करवाया था तो पाकिस्तान क्यों लेके अलग हुआ, मुझे इतनी की जवाब दे दो मुझे। ये सरकार किसकी देख रहे हैं इस बार 22 में यूपी में? योगी जी क्यों है इस बार? योगी जी ही रहेंगे, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं विकास रोक रखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या महंगाई भी हो गई इन सब? कुछ भी हो जाए योगी जी चाहिए। अच्छा, यूपी में अखिलेश जी नहीं योगी जी। आप क्या कहेंगे भैया? योगी जी हैं। परफेक्ट हैं, बहुत अच्छा है, सबसे बेटर हैं। और कोई है? और कोई नहीं है, अखिलेश जी भी तो है। नहीं है नहीं है अखिलेश जी तो यही भी कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई। जिन्ना के बाद छोड़ो, बस हम तो जानते हैं योगी जी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार है? योगी बीजेपी। बीजेपी क्यों? काम करवा रही सही। लोग तो कह रहे हैं विकास रोक रखा बीजेपी। किसने कह दी? लोग कह रहे हैं। लोग तो बहुत पार्टियों के कह रहे हैं ऐसा है। जब ये कोरोना का वो आया था, जब कहाँ थे ये? सही बात है, कहाँ था अखिलेश? अरे कहाँ थे कांग्रेस वाले? कोई भी खड़ा नहीं हो, सारे केंद्र के खड़े थे सारे, है कि नहीं? ये सब चोर है सारे। श्री राम उठके बैठ गए। बीजेपी आई, विकास हुआ है सरकार, विकास बहुत हुआ है। लोग तो कह रहे हैं अभी कम है थोड़ा सा। किसने कह दिया कम है? क्या क्या विकास नजर आया? बहुत विकास हुआ। बाराबंकी में एयरपोर्ट खुल गया, हवाई अड्डे, इंडोर स्टेडियम खुल गए, और क्या चाहिए? पर खिलाड़ी को 8 करोड़ रुपए कांग्रेस के टाइम में किसने दे दिया इतना पैसा जी? बोलो, राशन दे रही है फ्री का, घर में जाके दे रही है जी, लैट्रिन बाथरूम घर पे सारी सुविधाएं हैं, क्या नहीं है? एक चीज और बताइए, एक बयान आया अखिलेश यादव की रैली से, अखिलेश यादव का, कि देश की आजादी में जिन्ना का भी हाथ था, तो कैसे देखते हैं? साले जिन्ना विन्ना सारे कटुए, सही बताऊं? ऐसे मत बोलिए, बाकी तो महात्मा गांधी जिन्ना जितने भी हो गए ना, इन्होंने कश्मीर का बंटवारा करा जी। कश्मीर का बंटवारा करने वाले यही है, सारा जम्मू कश्मीर को अलग करने वाले यही है। एलएसी बना कैसे है कि नहीं है? अब बीजेपी के टाइम में सब एक हो रहा, तो सब जो आदमी सही करता है उसके पीछे सारे पड़ते हैं। जिसने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया उस जिन्ना को बता रहे की देश की आजादी में, वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या हाथ है उसका? इन्हें खुद पता नहीं है, उसने जो कह दी वही मान ली उसने जी। क्या आप क्या कहोगे इस बात पर? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जिन्ना का हाथ है देश की आजादी में। सर जी ऐसा है, देखो जो हमारी नॉलेज में है, नेहरू, गांधी जी और ये तुम्हारे अपना जिन्ना, ये कहते हैं एक ही कॉलेज से पढ़ के निकले थे जी। और इनको बलिस्टर बनना था। अच्छा, ठीक है, मतलब आजादी में हाथ है, आजादी में जिन्ना कैसे हाथ? जिन्ना का क्या हाथ है भाई? जिन्ना को प्रधानमंत्री 2 टुकड़े करके उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को यहाँ का बनना था भारत का, इस वजह से 2 टुकड़े करवा दिए। अच्छा, जिस समय जी क्यों कह रहे हैं फिर कि जिन्ना का हाथ है आजादी में? भैया ये तो अखिलेश जी जानते होंगे, शायद उनके घर के अंदर कोई जिन्ना जी ने कुछ ऐसी बात करवा दी हो। मैं 4 महीने की बात कह रहा हूँ, अगर देखो अगर मेरी बात सुनो, अगर शासन की बात करते हो, देखो आज के टाइम में जैसे योगी है, योगी गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम में मायावती ने खत्म करा था। मैं बेसिक से मायावती जी ने जातिवाद करा, उस बात को मैं सपोर्ट नहीं कर रही। आज अखिलेश जी जातिवाद कर रहे हैं कि मैं पंडितों को इतना शासन दूंगा और फलाने को इतना शासन दूंगा, यादवों को इतना शासन दूंगा, तो देखो ऐसे बात नहीं बनती। देखो यहाँ के सबका साथ सबका विकास, मैंने आपको पहले भी 2 मिनट पहले वाली बात की थी और अभी भी वाली बात कहूंगा कि देखो अगर शासन चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो पिछड़ी जात लेके चल रहा है आपको हिसाब से भैया? हमें तो मजबूत कौन था शासन सकता? अरे शासन सकता तो भैया मायावती थी और आज के टाइम योगी जी है। योगी जी ने कराया, जो आज के टाइम योगी जी ने कराया, मेरे भाई ने भी 2-4 दिन पहले ये वाली बात कही है। और मेरी बात सुनो यार, मायावती की बात छोड़ो, मायावती जी गई वो बात गए बादल छट गए, मायावती का कैसे बात है वो? तो भैया फिर अपना क्या कहते हैं कि अपना जैसे कि तराजू में बिल्ली वाली बात आ गई कि इधर आधी रोटी देखो इधर का तराजू खा लो, इधर की रोटी खाओ इधर का तराजू खा लो, तो कोई ये कहानी बात नहीं होती। योगी जी क्या करते हैं, एक तरफ तराजू उतार। आप मेरी बात को समझो, योगी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहा है, उनका काम काफी श्रेय है। जो बात समझने की है, जो बात समझने की है आप बात समझो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। और आज के टाइम में अगर कोई बात है
अगर कोई आदमी अगर अपने आप को नहीं समझ रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो आदमी समझदार है और एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा है वो भैया बीजेपी सरकार का वोट देगा, नहीं तो कोई दिक्कत आगे समझदारी वाले। अगर गुंडा राज करवाना है तो भैया अखिलेश जी को दे दो। क्या होता था क्या गुंडा राज? क्योंकि वो तो कह रहे योगी राज में गुंडा राज है। योगी राज में क्या गुंडा राज भैया, आप मेरे को बताओ, योगी जी ने जो कर दिया बताओ, योगी जी ने जो करा किसने करा बताओ मेरे को। अच्छे अच्छे नोएडा वोएडा के अंदर जितने भी थे सबके उनके मकान ढा दिए, एनकाउंटर करवा दिए, अच्छे अच्छे बदमाश पानी घुटने पे आ गए, और क्या क्या होगा बताओ मेरे को आप। जी बिल्कुल,